अरे हमारे अंदर धुंधलापन नहीं रहेगा, यदि सही ढंग से भागवत की कथा को सुनेंगे, जाकर घर पर मनन करेंगे, खाने पीने को छोड़ देंगे, कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी बोध को ठीक करेंगे। इसलिए आपने पीयूष वर्षण की बात कहा, पहले पर मैं तो अग्नि की वर्षण कर देता हूँ। अग्नि के बीज, हर पुराण है हमको अग्नि के बीज देता है, अमृत के बीज देता है। जिसने अग्नि के बीजों को अपने हृदय में बोया नहीं है, उस फसल को प्राप्त नहीं किया है, जिसका यौवन धधका नहीं है, जिसके अंदर कर्तव्य बोध जागृत नहीं हुआ, वो कौन से अमृत की बात कर रहा है? कोई अमृत की प्राप्ति नहीं होती, कोई भक्ति की प्राप्ति नहीं होती। भक्ति कोई मजाक समझ रखा है? अरे जिस दिन आप जीवन को सही ढंग से जियेंगे और आपके अंदर विरह उत्पन्न हो जाएगा। अभी हमको प्रेम करना ही नहीं आता है, प्रेम क्या होता है हम उसको जानते ही नहीं है। एक मछली को उठा करके गर्मी के दिनों में किसी धोरे के ऊपर रख दीजिए, जेठ के महीने में दोपहर के समय में, और मछली कैसे तड़पती है पानी के लिए। जिस दिन ऐसा तड़पेंगे परमेश्वर के लिए, तब समझना हमारा जीवन धन्यता की ओर बढ़ता चला जा रहा है। इसलिए वो माँ नहीं बनना चाहती। आत्मदेव के भी कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं थे, शास्त्र तो पढ़ लिए थे, बड़े यज्ञादि भी करवाते थे, कर्मकांड के पौरोहित्य के विद्वान थे वो, परंतु कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं थे। मानव जीवन का धन्यता किसमें, इसको मानते समझते नहीं थे। संतान नहीं है, इसलिए वो मृत्यु की तरफ बढ़ चले, जंगल में गए। और उस समय के जंगल कटे नहीं थे, उस समय तपोवन सुरक्षित थे। जंगल में गए, तालाब के पास में बैठ गए, वहां पर कोई आया, एक सिद्ध आया, कोई संविताचार्य आया, कोई रमता जोगी वहां पर आया, और देखा ये ब्राह्मण उदास बैठा हुआ है, प्यास बुझाई, पूछा क्या बात है, लटके हुए क्यों हैं, चेहरा लटका हुआ क्यों है, कि मैं बहुत दुखी हो गया हूँ। कारण का पता लगा, अरे संतान नहीं है तो कोई बात नहीं, संन्यास ले लो, क्रिकेट से संन्यास ले लो, राजनीति से संन्यास ले लो, मार दो इस संन्यास शब्द को। जो ही संन्यास शब्द को आपने कलुषित कर दिया, प्रदूषित कर दिया, ये संस्कृति धीरे धीरे करके मुरझाती चली जाएगी, मर जाएगी। आपने धर्म जैसे शब्द को भी धर्म निरपेक्ष के द्वारा इसको प्रदूषित कर दिया, संस्कृति मुरझाती चली जाएगी। इसके जितने जितने मुख्य शब्द हैं, मोक्ष शब्द को आपने गलत समझा, संस्कृति फिर मुरझाती चली जाएगी। दिस इज द हाईएस्ट मोटिवेशन। गर्भाधान से लेकर अंत्येष्टि तक, क्रीड़ांगण में, रणांगण में, भोजन कक्ष में, उद्योग के अंदर, सर्वत्र न्यायपालिका में, कार्यपालिका में, विधायिका में, लेखक की कलम के अंदर, सर्वत्र एक अखंड साधना चलनी चाहिए। इसी जीवन में मृत्यु को जीत लेना है, अमृत का पान कर लेना है। यह चेद वेदिन अथ सत्यम अस्ति, न चेदिहा वेदिन महति विनष्टि। यहीं पर जान लिया तो जान लिया, नहीं तो पता नहीं कहाँ पर चले जाएंगे। इसलिए संन्यास वो थे, और का के संन्यास ले ले, तैयार नहीं हुआ, दुखी रहा, तो आखिर करुणा करके उन्होंने कहा अच्छा लो ये फल ले जाओ, और ले जा करके अपनी अर्धांगिनी को, अपनी पत्नी को दे देना। और वो ले के गया फल और पत्नी को दिया, और पत्नी इसने फल को ले लिया, खा लेना इसको। हाँ खा लूँगी, पर अंदर कुछ और चल रहा था। वो आश्वस्त हो गया कि ये इसको ग्रहण कर लेगी, ये अर्धांगिनी है ना, ये सप्तपदी के मंत्र उसके मानस में कौंध रहे होंगे, इस भ्रम में रहे वो पतिदेव। उनको मालूम नहीं उसकी पत्नी के हृदय में, उसके मन के अंदर क्या जंजाल छिपा हुआ है, क्या धारणाएं उसके अंदर पल रही हैं, क्या जीवन का लक्ष्य उसके सामने है। हाँ करके फल को ले लिया और बैठकर चिंतन करने लगी। गर्भवती हो गई तो पेट फूल जाएगा, दौड़ा दौड़ी संभव नहीं हो पाएगी, प्रसव की पीड़ा सहनी पड़ेगी। इसलिए टेस्टेड ब्यूबी की तरफ जाओ, सरोगेट मदरशिप की तरफ जाओ, उधार की कोख उस तरफ चले जाओ। माँ नहीं बननी चाहती, मेरा सौंदर्य समाप्त हो जाएगा, अपनी स्तनपान नहीं करवाना चाहती, बोतल को पकड़ा देती है। किसी ने बड़े विनोद में कहा कि पहले माताएं अपने बच्चों को स्तनपान करवाती थी तो बच्चे बड़े होकर के माँ की सेवा करते थे, और आजकल के बोतल पकड़ा देती हैं, जो एमए पीएचडी हैं, मैनेजमेंट की हुई हैं, बोतल पकड़ा देती हैं तो बच्चे बड़े होकर के बोतल का सेवन करते हैं, उसकी सेवा करते हैं बोतल की। ये क्या हो गया है? इस बात को समझना, कितनी विकृतियाँ हमारे चारों तरफ हैं। इसलिए सभा मंडप से ऐसी तरंगें निकलनी चाहिए, ऐसी स्फुलिंग निकलने चाहिए, ऐसी किरणें निकलनी चाहिए, न केवल जोधपुर में, पूरे भारत के अंदर फैलती चली जाए। इसलिए वो फल ले लिया, पर अंदर कुछ और जाल रचा, माँ नहीं बनना चाहती थी। और इतना दृढ़ता से, इतनी जिद के, और इतने अड़ियल बनकर इसने ये चिंतन को बार बार किया था, इसका दुष्परिणाम यह हुआ था कि वहाँ पर जो पेड़ लगे हुए थे उनमें फूल नहीं आते थे, फल नहीं आते थे, और वहाँ पर जो गौ माता थी ना, काउ इज ए मिनी बायोस्फीयर, ये माता है ना, आज कितने कत्लखाने चल रहे हैं, कितने कूड़े के ऊपर आपकी गायें और गोधे चलते चले जा रहे हैं। इसलिए किसी ने कहा कि ये आवारा पशु इधर उधर घूम रहे हैं। एक संत ने इसको सभा में सुना कि ये आवारा नहीं, हम लोग आवारा हो गए हैं, हमको क्या करना चाहिए, कैसे इनको अपनाना चाहिए, हमको मालूम नहीं है।
इसलिए वो गाय थी वह भी हरी नहीं होती थी, अर्थात वो गर्भवती नहीं होती थी। इतना दुष्परिणाम उस मातृशक्ति के मातृत्व को तिरस्कार करने से ये हुआ। और फिर उसने सोचा अब मैं क्या करूं। कुछ श्रद्धा का कण तो था उसके अंदर। उसने अपनी समस्या को अपनी बहन को बताया, और उसकी बहन का नाम क्या था? चुंदी। बता दिया आपने इनको? नहीं बताया, मेरे लिए सुरक्षित रख दिया। उसकी बहन का नाम भागवत में तो नहीं है, पर मैं भागवत पुराण महापुराण से क्षमा मांगते हुए, ऋषियों से क्षमा मांगते हुए, ये माहेर भाषण को चुंदी थी। उसकी बहन का नाम था चुंदी, उसके पति का नाम था ऊंधा। चुंदी को अपनी ये प्रॉब्लम बताई, कर सो सिंपल, ये कोई प्रॉब्लम नहीं है, मैं गर्भवती हूँ और तू नाटक करना माँ बनने का, पेट के ऊपर कपड़े बांधते चली जाना, नाटक करना कि तुम्हें गर्भवती हो गई है, पेट फूल रहा है और मेरे गर्भ के अंदर वो पल रहा है, बड़ा हो रहा है, मैं उसको दे दूंगी। तो ऊंधा बोला ऐसे मत देना, पैसे लेना, ऐसे मत देना, पैसे लेना, पैसे लेकर के हम अपने लाडले को और तुमको दे देंगे। और वो चुंदी है, चिंतन मनन कर रही है, वो चिंतन सारे उसके पेट में प्रविष्ट हो रहे हैं, जो उसके अंदर ऊंधे का जो बढ़ रहा है ना, उसका तेज बढ़ रहा है, सारे उसको ग्रहण कर रहा है। और उसने वो धीरे धीरे नाटक किया, पर उस फल को उसने कहा इसका परीक्षण करना चाहिए, इसको गौ माता को दे देना चाहिए। गौ माता को वो फल दे दिया गया और गाय थी वो गर्भवती हो गई। एक ब्रह्म तेज था, एक ब्रह्म विद्या थी। ये गाय है, ये हमारी लोक संस्कृति है, उसको हम डिजिटलाइजेशन के द्वारा उस लोक संस्कृति को समाप्त करने के लिए मान लो कटिबद्ध हो गए। हर गांव के अंदर जाओ, घाघरा पहने हुए, ओढ़ना पहने हुए, और कान के अंदर वो है कुटर गुटर गुटर करती चली जा रही है। गाँव के अंदर चले गया, सड़कें चली गई, टीवी चले गया, मोबाइल चले गया, डिजिटलाइजेशन। अरे डिविनाइजेशन को भूल गए और डिजिटलाइजेशन के पीछे पड़े हुए तो महाविनाश होगा। पर वो गौ माता थी, उस समय की बात, लोक संस्कृति, हमारे वेद सुरक्षित हैं लोक संस्कृति के अंदर, हमारे वेद में धर्म और ब्रह्म तत्व का प्रतिपादन किया गया, वो हमारी लोक संस्कृति, हमारी मायड भाषा के अंदर वो सुरक्षित है, था। आज कितना सुरक्षित रहेगा ये हमारे लिए बहुत बड़ी चुनौती है। इसलिए गौ माता ने वो लोक संस्कृति का प्रतीक है, उस ब्रह्म विद्या को ग्रहण कर लिया। और किसका जन्म हुआ? गोकर्ण का, ब्रह्म ज्ञानी का जन्म हुआ। और जिसने ये फल दिया था वो कौन था? वो ब्रह्म ज्ञानी था। ब्रह्म ज्ञान, ब्रह्म विद्या, सर्व विद्या प्रतिष्ठा, सारे ज्ञान जो अतीत में थे, अपरा विद्या के सारे क्षेत्र, स्वर्ग आदि में जाने की विद्याएं, आपके ब्रह्मलोक जाने की विद्याएं, इस जगत के अंदर नाना प्रकार की विद्याएं, सारी अपरा विद्या का क्षेत्र जो अतीत में था, आज से 10 लाख 10 करोड़ कई कल्पों के पहले था और जो भविष्य में होगा, सारी अपरा विद्या का क्षेत्र जो त्रिगुणात्मक प्रकृति है, उसका सारा क्षेत्र, ग्रॉस सटल एंड कॉजल, माइक्रो एंड मैक्रो, ऑर्गेनिज्म एंड एनवायरमेंट, सारे ज्ञान के आधार में ब्रह्म विद्या है। आप इसको स्वीकार करें या ना करें, यह ब्रह्म विद्या है। और ब्रह्म विद्या को हमने उठा करके किनारे कर दिया। ये ब्रह्म विद्या सारे ज्ञान का आधार है, और वो ब्रह्म विद्या होती है अनुभूति। वेद में प्रकांड पंडित हो जाए वो ब्रह्म ज्ञानी नहीं कह सकते, पर जो संस्कृत नहीं बोल सकता, गुरुचरणों की सेवा की है, जैसे कैलाश जी कर रहे हैं। मैं बड़ा आश्चर्यचकित हूँ, इनके अंदर इतनी नम्रता कैसे आ गई, मेरे अंदर भी इतना विनय नहीं है, मैं भी बड़ा प्रश्नाकुल रहता हूँ, बड़ों से भी प्रश्न पूछ लेता हूँ, इनके अंदर इतनी नम्रता है, इनको बहुत बहुत आशीर्वाद पूरी परंपरा का है, अनुभव से बोलने का प्रयास कर रहे हैं। जब गुरुदेव ने कहा, इन्होंने कहा मैंने तो पूरा भागवत का पारायण नहीं किया है, मैं संस्कृत का विद्वान नहीं हूँ, कहा बोलने देना, अपने अंदर के अंदर जो मौन है उसको बोलने देना, अपने कुल को बोलने देना, अपनी लटियाली को, अपनी चामुंडा को, अपने गुरु परंपरा को अपने अंदर से अभिव्यक्त होने देना। इसलिए जूते गांठने वाला, कपड़े बुनने वाला, खेत में काम करने वाला, गृहिणी बहन करके काम करने वाली माता, सारे उस ब्रह्म विद्या के अधिकारी हैं, ब्रह्म विद्या का प्रकाश इनके अंदर प्रकट होता चला जा रहा है। मैं इनके प्रति बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूं। ब्रह्म विद्या सर्व विद्या प्रतिष्ठा, और वो फल था वो ब्रह्म विद्या। लोक संस्कृति ने इसको धारण किया और गोकर्ण जैसे महाज्ञानी, ब्रह्म ज्ञानी उत्पन्न हुए और फिर विचरण करते हुए चले गए। और फिर क्या हुआ? वो जो पैदा हुआ उसका नाम क्या था? स्वयं कंफ्यूज, अन्यान्य अपि कंफ्यूजयति, स्वयं कंफ्यूज और दूसरों को कंफ्यूजन में डालता है, खुद तो है ही धुंधकारी, माने धुंध को फैलाने वाला, चारों तरफ फैलाने वाला धुंध को, मानो बहुत बड़ा ज्ञानी हो, अरे तुम क्या शास्त्र पढ़ लिए और तुम लोगों को कंफ्यूजन के अंदर डालते चले जा रहे हो,
ईश्वर की इच्छा के बिना पत्ता भी नहीं हिलता। अरे सच समझते हैं वो अपने हाथ को खड़ा कर लेना, ईश्वर की इच्छा के बिना पत्ता भी नहीं हिलता। जो इसको ठीक समझते हैं वो अपने हाथ को खड़ा कर लेना, ईश्वर की इच्छा के बिना पत्ता भी नहीं हिलता है। जो इसको सही समझते हैं अपने हाथ को खड़ा कर लेना। आपने अपने हाथ को खड़ा किया है तो ईश्वर की इच्छा से किया है या अपनी इच्छा से किया है? आपने अपनी इच्छा से किया है या ईश्वर की इच्छा से किया है? करोड़ों मंदिर टूट गए, ईश्वर की इच्छा से टूटे? करोड़ों माताओं के शील को भंग किया गया, क्या ईश्वर से इच्छा से किया गया? ईश्वर क्या है जानते ही नहीं है, इसलिए धुंधकारी चारों तरफ है। और आपको मालूम है अपने माता पिता की मृत्यु का कारण बनेगा वेश्या गमन किया, और आखिर वो जाकर के बना वो प्रेत बना। और आजकल के प्रेत चारों तरफ से घूमते हैं, अपने उद्धार के लिए वो चिल्ला रहे हैं, गोकर्णों को भयभीत कर रहे हैं। इसलिए भागवत की कथाएं जगह जगह होती चली जा रहे हैं, इन प्रेतों का कल्याण कैसे हो, इसलिए भागवत की कथाएं पॉपुलर होती चली जा रहे हैं। गीता उपनिषद की कथा नहीं, उसका सत्संग नहीं कर रहे हैं। इसलिए धुंधकारी इसको समझना, धुंधकारी ये धुंधकारी पैदा हुआ, मरा, प्रेत बना। ये कारण क्या था? दृष्टि ठीक नहीं है। ये जब तक हमारा दर्शन हम ठीक नहीं करेंगे तब तक ये धुंधलियाँ फैलती चली जाएंगी, ये धुंधकारी बढ़ते चले जाएंगे, ये प्रेत बनेंगे, सबको डराएंगे। इसलिए आज पूरा जो विश्व है वो डरा हुआ है। एकमात्र त्राण दे सकता है तो हमारे वेद दे सकते हैं, अपौरुषेय वेद दे सकते हैं, और इतिहास पुराणाभ्याम वेदार्थम चोप ब्रह्मयते, वेद आपके समझ में नहीं आ सकते, ये अगम्य है, हिमाच्छादित शिखर हैं, ये कैसे समझ में आ जाएंगे? उनकी संस्कृति इतनी क्लिष्ट है, उसके अंदर गूढ़ अर्थ उसके अंदर छिपा हुआ है, उसी के अर्थ को रसमय बना करके कलात्मक ढंग से काव्यात्मक ढंग से सारे अतीत को संस्कृत को समेट करके आपके घर में आपके हृदय में प्रविष्ट होकर के ये पुराण कथाएं हैं, ये अग्नि बीज का वितरण करती हैं, ये आनंद बीज का भक्ति के बीजों का वितरण करती हैं। पर हम इन बीजों को लेकर अपने हृदय में बोते नहीं हैं, इस कान से सुना और इस कान से निकाल दिया। इसलिए पुराण कथा को अपनाना हो तो वैसे ही अपनाना जैसे ध्रुव ने नारायण को अपनाया था। ध्रुव को चोट लगी और नारायण को प्राप्त करूंगा, चल पड़ा, खूब उसको विचलित करने का प्रयास किया गया, पर वो रुका नहीं, वो चलता गया जाकर के तपस्या की। जैसे ध्रुव ने नारायण को अपनाया वैसे पुराण कथा को अपनाना होगा, जैसे गोपियों ने कृष्ण को अपनाया वैसे इस भागवत कथा को पुराण कथाओं को अपनाना होगा, जैसे गंगा सागर को अपनाती है वैसे इन कथाओं को अपनाना होगा। इनके अंदर गपोड़े हैं भर करके, इसका अपमान मत करना शास्त्रों के अंदर। आपके समझ में नहीं आए तो कोई बात नहीं, श्रद्धा से वहीं पर बैठना, प्रार्थना करना, और आपके अंदर धीरे धीरे उसका रहस्य वो खुलता चला जाएगा। हर कथा के अंदर गहराई से छिपा हुआ है, और मैं आशा करता हूं कि हमारे कैलाश जी ये 7 दिन की बजाय इसको धीरे धीरे बढ़ाएंगे, 15 दिन करेंगे, 1 माह करेंगे, और लगातार एक सत्र ऐसा करेंगे, हर कथा की गहराई के अंदर जाएंगे, उसके रहस्य क्या है उसका वो खोल करके बताएंगे। इसलिए तब हमारा जो है ये दृष्टिकोण ठीक होगी, किस प्रकार से हम इन कथाओं की गहराई के अंदर जाएं, अपनी दृष्टि को ठीक करें। मैं आपसे निवेदन कर रहा था हमारी दृष्टि ईश्वर के प्रति सही नहीं है, मुझे क्षमा करना। एक कथा करने वाले व्यक्ति ने कितना तप किया है, कितनी साधना की है, वो हमको अपनी कथा के द्वारा रुला सकता है, पर ये उसकी तपस्या का, उसकी करुणा का परिणाम है। हम उसको आंखें बंद करके फॉलो नहीं कर सकते। वो जो कर्तव्य बोध हमको देता है उसको लेकर अपने जीवन को जीना चाहिए, अपने मन के मैल को निकालना चाहिए। इसलिए ये बोध के अंदर भ्रम को पैदा नहीं करना चाहिए, बुद्धि भेद को पैदा नहीं करने, बुद्धि भेदम जनय अज्ञानम कर्म संगिना, हमारे ऊपर ऋण है, हमारे अंदर कामना है, कामना को पूरा करना, शास्त्र के अनुसार पूरा करना, दृष्टि को ठीक करना। बिना दृष्टि को ठीक किए हुए ईश्वर के प्रति, जगत के प्रति, जगत की विविधता के प्रति, मृत्यु के प्रति, काम के प्रति, सौंदर्य के प्रति, जन्म के प्रति, सबके प्रति अपनी दृष्टि को ठीक करना, कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी, यह हमारा प्रथम कर्तव्य है, और वो होना चाहिए श्रुति के अनुसार, युक्ति के अनुसार, अनुभूति के अनुसार, और हमारे विज्ञान के अनुसार होना चाहिए। आज विज्ञान इतनी तेजी से बढ़ता चला जा रहा है, उस इंटरकनेक्टेड, इंटरडिपेंडेंट, इंटररिलेटेड, सारा ब्रह्मांडिक यज्ञ चक्र में चल रहा है। एक कैंचुआ है वो भी यज्ञ कर रहा है, एक हिग्स बोसन है वहां भी यज्ञ चक्र है, सारा ब्रह्मांड यज्ञ के चक्र के अनुसार चल रहा है, सारे प्राणी उसको फॉलो कर रहे हैं। अपना वंश वर्धन करना, अपना जीवन को पूरा करना, जीवन के अधिको पूर्ण अवधि को पूरा करना, केवल मनुष्य आउट ऑफ रिदम है,
आउट ऑफ वो यज्ञ चक्र उसको तोड़ता है। इसलिए एवं प्रवर्तितम चक्रम नानुवर्त यति अघायो इंद्रियारामो मोघम पार्थ सजीवति। भगवान ने यज्ञ चक्र का वर्णन करते हुए तीसरे अध्याय में गीता में बताया है ये यज्ञ चक्र चल रहा है, ये सुदर्शन चक्र घूम रहा है। चाहे जितना माइन्यूटेस्ट आप ले लें, आप लें इन्यूमरेबल इकोसिस्टम ऑल इंटरकनेक्टेड, और मनुष्य उसको तोड़ सकता है और ये उसकी महिमा है। मैं आपसे क्या निवेदन कर रहा था, केवल 5 मिनट और 6 बजे मुझे पूर्ण करना है यज्ञ चक्र और ये चल रहा है, मनुष्य उसको तोड़ सकता है और ये मनुष्य की महिमा है, गरिमा है। इसलिए वेद व्यास जी ने सारे पुराणों को लिखकर एक बहुत सार की बात बताई, गुह्यम ब्रह्म तदिदम ब्रवीमि नहीं मानुषात श्रेष्ठ धर्म ही किंचित। मैं एक बहुत ही गहरे रहस्यमय ज्ञान को बता रहा हूँ कि मनुष्य से श्रेष्ठ, मानवता से श्रेष्ठ और कुछ नहीं है। इसलिए मैं बंधु आपसे निवेदन करूँगा अपनी दृष्टि को ठीक करना, यह हमारा प्रथम कर्तव्य है। साथ ही साथ अपनी भावनाओं को ठीक करना, राग द्वेष से छूटने का प्रयास करना, और तीसरा हमारे अंदर जो क्रिया शक्ति है उसका जागृत करना। ऐसी क्रिया शक्ति हमारे अंदर प्रकट हो, हमारे अंदर ऐसी शुद्ध भावना हमारे अंदर प्रकट हो, ऐसा बोध हमारे अंदर प्रकट हो। इसलिए मैंने कहा ये अत्यंत आवश्यक है, ईश्वर के प्रति हमारी दृष्टि, सारा संसार उसके शासन में चल रहा है, मनुष्य के अलावा देवता भी उसके शासन के अंदर चल रहे हैं, एक छोटा सेल भी उसके शासन, ईश्वर शब्द का ही अर्थ ये अर्थ होता है। मनुष्य को एक स्वातंत्र दिया गया है और यही उसकी महिमा है, उसकी गरिमा है कि वो अपनी कामना पूर्ति करे पर अपने बोध को ठीक करके करे। इसलिए हमारे शास्त्र ने ये जो कहा ईश्वर के प्रति दृष्टि को ठीक करना, उसके नियम को तोड़ने की क्षमता केवल मनुष्य में, और जो ही वो उसके नियम को तोड़ता है उसी समय उसको दंड मिलता है। ईश्वर के शासन के अंदर देर है अंधेर नहीं, न देर है न अंधेर है, उसी समय वो आपको दंड देगा। आप प्रैक्टिकली करके देख लेना, कमरे के अंदर कमरा, कमरे के अंदर कमरा, कोई देख नहीं रहा है, और आप एक दिन जाकर के एक चूहे को मारना, उसी समय आपके अंदर प्रेम करने की शक्ति कम हो जाएगी, शांत रहने की शक्ति कम हो जाएगी, आपके हृदय में एक धुंधलापन आ जाएगा, आप बेचैन होना प्रारंभ हो जाएंगे, आपके अंदर इंट्यूशन की शक्ति कम हो जाएगी, आपकी आंखों का तेज कम हो जाएगा, आपकी मुस्कान नकली हो जाएगी, आपकी वाणी के अंदर तेजस्विता प्रगल्भता नहीं रहेगी, आपकी चाल में फर्क हो जाएगा, आपका नर्वस सिस्टम डाइजेस्टिव सिस्टम सारे सिस्टम के अंदर दोष आ जाएगा, क्योंकि आपने विश्व नियम को तोड़ा है। इसलिए विश्व नियम को ही धर्म कहते हैं, रित कहते हैं, ये रित शब्द रिदम बन गया, और मनुष्य आउट ऑफ रिदम है, वो कैसे इसके अंदर आए, इसलिए इसको समझना ईश्वर उसी समय दंड देता है। आज विज्ञान के अंदर ऐसे उपकरण आ गए क्रिलियन फोटोग्राफी के द्वारा, ऑरामीटर के द्वारा हम इसको प्रमाणित कर सकते हैं। इसलिए इस बात को समझना, ईश्वर के नियम का पालन करते ही ईश्वर मुस्कुराता है, उसके अंदर से खुशबू आती है, वो आकर के हमसे लिपटना चाहता है, पर हम कहते हैं ये मैंने किया, ये मैंने किया, ये मैंने किया, और इसलिए किया, उसी समय ईश्वर बैकग्राउंड में चले जाता है। बंधु कितना मिनट और दोगे मेरे को, पूरा नहीं, साड़ी बढ़ा दी, भरी सभा में साड़ी खींची, क्यों खींची, किसने खींची, क्यों पासे फेंके थे युधिष्ठिर ने, कोई ना कोई कारण रहा होगा, एक जगत नियंता है, कोई ना कोई कारण रहा होगा, अपने अंदर ढूंढा, फेंके पासे फेंके उसने और हार दिया, और द्रौपदी को दांव पर लगा दिया, द्रौपदी जीत ली गई, उधर शकुनी था वो पासा फेंकने के अंदर वो कुटिलता का छल का प्रयोग कर रहा था, सब कुछ जीता, ये द्रौपदी को जीता, और जाओ उसको ले आओ यज्ञ सैनी को पकड़ करके, और गया वो दुशासन गया और बाल पकड़ करके लाया, अरे खूब लड़ी मर्दानी, वो तो झांसी वाली रानी थी, मुंदेले हर बोलों के मुख हमने सुनी सुनाई थी। अब जब किरण देवी का हाथ पकड़ा था उस अकबर ने, तुरंत उसको वहां पर गिरा करके उसकी छाती पर चोरा लेकर के वो चढ़ गई, वो बीकानेर की ललना थी, छाती पर चढ़ गई, उसने कहा मैं तुम्हारी गाय हूँ, मुझे क्षमा कर दो, गलती से उसको छोड़ दिया, नहीं तो अकबर महान था, उसको बता देते कितना महान है, समझने की जरूरत है। छत्राणी थी, मालूम थी वो कहां पर जा रही है, वो भूल गई क्या, उसने कहा अंधों के अंधे होती हैं, एक बाण उसने चलाया तो भूल गई थी, और रजस्वला थी, और वो पहुंचा, उसके बालों के हाथ लगाया, उसके कपड़ों के हाथ लगाया, एक कराटे का हाथ मारती या छुरी निकाल करके मारती समझते वो क्षत्राणी, सही ढंग से उसका प्रशिक्षण हुआ है, पर ईश्वर की लीला है, ऐसा कुछ हुआ नहीं, भरी सभा में लाई और वो कह पूछती रही कि युधिष्ठिर ने पहले अपने को दाम पर लगाया या फिर मेरे को पहले पर दाम पर लगाया, खुद दाम पर लगा दिया और फिर मेरे को दाम पर लगाया, क्या समस्या समझ रखा है, मेरे प्रश्न का उत्तर तो कोई उत्तर नहीं दे रहा था। भीष्म ने कहा कल्याणी धर्म का तत्व तो बड़ा गूढ़ है, द्रोण नहीं बोल पाए, केवल कुछ विदुर बोले थे, मैं क्या कह रहा चाहता,
फिर साड़ी खींचना शुरू किया, पकड़े हुए साड़ी को, और उधर से साड़ी बढ़ती चली गई। अरे क्या कृष्ण भगवान में इतने अक्कल नहीं थी क्या कि किसी की साड़ी को खींचते कोई हाथ, उसके हाथ को काट देना चाहिए था, उसके सिर को काट देना चाहिए था, वज्रपात कर देना चाहिए था। ये क्या भगवान ने साड़ी को बढ़ाया, हमको क्या उपदेश दे रहे हैं भगवान? मैं भगवान पर आक्षेप नहीं कर रहा हूँ, याद रखना जो हमारे हृदय में धड़कता है, हमारी धमनियों में प्रवाहित होता है, जो सृष्टि के कण कण के अंदर है, हम उस पर आक्षेप नहीं करते, हम उन भक्तों पर आक्षेप करते हैं जो केवल इतने गुणगान करके और भगवान की महिमा को नीचे करते हैं। इसलिए साड़ी को बढ़ाई उनकी लीला थी, हम उससे क्या अर्थ लगा लें? और क्या आपको मालूम है, साड़ी बढ़ाते बढ़ाते कपड़ों का ढेर लग गया, दुशासन थक गया और द्रौपदी विलाप करती रही, और दुशासन ने थोड़ा विश्राम किया, फिर उठ करके खड़ा हो गया, फिर साड़ी को खींचना शुरू किया, तब साड़ी नहीं बढ़ी, तब साड़ी नहीं बढ़ी थी, पर उस समय भयंकर तूफान आया, सारी खिड़कियां खड़खड़ाने लगी, यज्ञशाला के अंदर वहां पर कौवे बोलने लगे, गीदड़ आकर बोलने लगे, उल्लू प्रकट हो गए, साए साए करके हवा चलने लगी, और जो जन्मांध था और अंदर से भी अंधा था धृतराष्ट्र, उसको सुनाई दिया, उसको पता लगा कि अपशकुन प्रकट हो रहे हैं, और उसने आशीर्वाद दिया द्रौपदी को कि कल्याणी वरदान को मांगो। पहला वसनावतार हुआ था, ये झंझावतार हुआ था, ये भगवान का झंझा, झंझा कहते हैं तूफान को, भतूलिये के रूप में भगवान ने अपने आप को प्रकट किया। हमने भगवान को तमाशा समझ रखा, और फिर जब वो वनवास में गए थे और फिर द्रौपदी का हरण करके ले गया था, और फिर जयद्रथ ले गया था, फिर भीम और अर्जुन ने उसको बचाया, और जब वो वनवास के समय गए थे हमारे जयपुर के पास में, शायद ये विराट नगर ही था, वो अपना नाम बदल के रूप बदल करके रह रहे थे, और द्रौपदी का सौंदर्य अप्रतिम सौंदर्य था, और उसकी दृष्टि पड़ी कीचक की, राजा की साले की दृष्टि पड़ी, महान शक्तिशाली था वो कीचक, द्रौपदी की मनोहार करता रहा, तुम्हें महारानी बनाऊंगा, तुम मेरे से विवाह कर ले। द्रौपदी बरसती गई, मना करती गई, मेरे पति अदृश्य रहते हैं, वो बड़े भयंकर है, बड़े तेजस्वी है, तुमको मार डालेंगे। और फिर जब नहीं मानी द्रौपदी तो भरी सभा में, सैरंध्री उसका नाम था बदला हुआ, भरी सभा में लात मारी, गिर गई, खून निकलने लगा, और कोई बचाने के लिए नहीं आया। भीम ने उठने की कोशिश की, युधिष्ठिर ने उसको इशारे से मना कर दिया, अभी समय नहीं है, वो भी नाम बदल करके वहां पर रह रहे थे। और जो दुख से पीड़ित होकर के रुदन करती हुई गई भीम के पास में, जो उस समय वेश बदल करके रसोई के रूप में रह रहा था, और जिसके खुले बाल नागिन की तरह लहरा रहे थे, कि जब तक इस दुशासन के खून को नहीं निकाल दें, बालों खून निकाल कर बालों को नहीं धोऊंगी, मैं वेणी नहीं बनाऊंगी, ऐसा विलाप किया कि भीम भी रोने लगा, उसके आंसुओं से उसका वक्षस्थल भीग गया और द्रौपदी के बाल सारे भीग गए। और भीम ने कहा कि जाकर उसको कह दो कीचक को आज रात को आकर के वो मिल ले। और वहां पर भीम ने कपड़ा ढक करके वो लेट गया, कीचक शराब पी करके आया और आकर के उसने उस कपड़े को हटाया तो भीम उछल करके खड़ा हो गया, गुत्थम गुत्था हुई और उसको मार करके उसके घुटनों को उसकी छाती में डाल दिया, सिर को दबा दिया, मांस का लोथड़ा बना दिया। और द्रौपदी खंभे के पीछे सारे दृश्य को देख रही थी, उसके लात मारी। प्रातःकाल हुआ, पता लगा कीचक का वध हो गया है, और सबने समझा कि ये सैरिंद्री, ये द्रौपदी इसका कारण है, इसलिए शव यात्रा हुई, द्रौपदी को शव के साथ में बांधा गया, उसके वक्ष के हाथ लगाया, उसके जांग के हाथ लगाया, उस पर बुरे शब्द कहे, वो क्रंदन करती रही, चिल्लाती रही, कोई कृष्ण नहीं आया। समझो कृष्ण है कौन, हमने तमाशा समाज रखा, इस ईश्वर को बना रखा, उसकी लीला को मैं कटाक्ष नहीं कर रहा, उस समय कोई नहीं आया, पर एक व्यक्ति था वो सुन रहा था इस क्रंदन को, और उसने दीवार को लांग करके परकोटे को पार किया, उछल करके गया, श्मशान में पहले पहुंच गया, और ये शव यात्रा वहां पर पहुंची, कीचक के सारे बंधु बांधव और कीचक की लाश थी, साथ में द्रौपदी थी बंधी हुई, क्रंदन करते हुए श्मशान में ये यात्रा पहुंची। भीम ने पेड़ को उठा करके सबको मार करके भगा दिया, द्रौपदी के बंधनों को खोल दिया, जाओ कल्याणी और अपने स्थान पर चली जाओ। भीम के अंदर भगवान प्रकट हुए थे, इसको क्रोध मन्यु कहते हैं, भीम के अंदर भगवान प्रकट हुए थे। भगवान हमारे अंदर प्रकट होना चाहते हैं, हम उनको प्रकट होने नहीं देते, क्योंकि हमारी बुद्धि में दोष है, क्योंकि हमारी दृष्टि ठीक नहीं है, क्योंकि हमको कर्तव्य बोध नहीं है, क्योंकि हमारी भावना ठीक नहीं है, क्योंकि हमारी क्रिया ठीक नहीं है। इसलिए मैंने सबसे निवेदन किया, ईश्वर के प्रति अपनी दृष्टि को ठीक करना। जब कभी आप स्वार्थ छोड़ करके निरहंकार होते हुए कोई भी पुण्य का काम करते हैं, लोक मंगल का, उसी समय हृदय के अंदर ईश्वर प्रकट होते हैं, एक आनंद के रूप में, एक शांति के रूप में प्रकट होते हैं। बाहर से आकर के सूर्य की किरणें आपके भाल का चुंबन करेंगी, हवा आपसे आकर के लिपट जाएगी, ऊपर से आकाश की नीलिमा आप पर कृपा का
वर्षण करेगी, आपके पैर के नीचे से धरती बोलेगी, पूरा पर्यावरण एक विराट चेतना है, आपको कहेगी बहुत अच्छा किया, बहुत अच्छा किया। पर हम अपने स्वार्थ को छोड़ते नहीं, अपने अहंकार को छोड़ते नहीं। विद्या ददाति विनयम, उसकी जगह पर विद्या ददाति एरोगेंस। और ये बहुत बड़ी फैक्ट्री चल रही है, मैकाले का प्लांट, मैकाले की फैक्ट्री, मैकाले का सॉफ्टवेयर हमारे अंदर घुसा हुआ है। बोध को ठीक करना कितना बड़ा हमारे पास कर्तव्य है, इतने शास्त्र हमारे पास में है, ईश्वर हमारे अंदर प्रकट होने के लिए तैयार है, हमारे हाथ में, हमारे चरणों में, हमारे हृदय के अंदर। ईश्वर एक विराट सत्ता है, उसके आनंद का, उसकी कृपा का, उसकी करुणा का और उसके कठोर नियम का उसको समझने की आवश्यकता है। मैंने कहा ईश्वर के प्रति अपनी दृष्टि को ठीक करना। त्र्यंबकम् यजामहे, किया नहीं खुशबू आएगी नहीं, सुगंधिम यजामहे संपन्न होगा नहीं। भागवत की कथाएं सुनेंगे चले जाएंगे, जीवन वैसा का वैसा ही चलता जाएगा क्या? अरे ये भागवत की कथा आपके अंदर कर्तव्य बोध को, ऋण बोध को जागृत करती है। इतने सारे लोग जागृत हो जाएं, फिर क्या ताकत है कि हिरण्याक्ष की, हिरण्यकश्यप की हमारी संस्कृति को नष्ट करे? हम कथा सुननी हिरण्याक्ष की, कौन था हिरण्याक्ष? अर्थ अर्थ अर्थ, पैसा पैसा पैसा, हिरण्य माने सोना, अक्ष माने आंख, पैसे की दृष्टि। आज तो सब कुछ पैसे के लिए, माँ के दूध को बेचा जा रहा है, गुरु की कृपा को बेचा जा रहा है, गुरु को पेड़ सर्वण बना लिया है, युवा अपने यौवन को बेचते चले जा रहे हैं, पैकेज के अंदर अपने यौवन को बांधते चले जा रहे हैं, ये हो क्या रहा है? अर्थ की दृष्टि ये हिरण्याक्ष है। और इसने क्या किया? धरती को लेकर, वेद को लेकर के और समुद्र के अंदर चला गया। और उसका उद्धार करने के लिए कौन आया था? वो हरि आया था, यज्ञ वाराह आए थे और आकर के उन्होंने उसका वध किया था, वेद को निकाल कर लाए, धरती का कल्याण किया था, इसी को यज्ञ कहते हैं। अग्नि को प्रज्वलित करना यज्ञ है, पर हाँ वो तो है ही, इसमें मना किसने किया? वो भी एक अद्भुत बहुत बड़ा विज्ञान है, उसके लिए भी हमने गाय की जगह भैंस का घी डाल दिया और ऐसे पवित्र संविदा की जगह चाय जिस लकड़ी को डाल दिया, मुंह में गुटखा खाते खाते हुए वेद मंत्रों को बोला, आचरण को ठीक नहीं किया, तो यज्ञ करेगा क्या हमारा? इसलिए प्रत्येक कर्म को यज्ञ बनाना है, यज्ञार्थात कर्मणो यत्र लोकोऽयं कर्म बंधना, नहीं तो धरती बचेगी नहीं, पर्यावरण बचेगा नहीं, हमारी संस्कृति बचेगी नहीं। इसलिए यज्ञ वाराह ने आकर के उसका कल्याण किया था। और वो हिरण्यकशिपु कौन है? कि जो कशिपु माने बिस्तरा और हिरण्य माने सोने का बिस्तरा, अर्थात भोग की दृष्टि। अर्थ और भोग, अर्थ और काम, ये सब बस दो ही रहे हैं, धर्म को किनारे कर दिया, मोक्ष को किनारे कर दिया, बीच में अर्थ और भोग, ये हिरण्याक्ष और हिरण्यकशिपु भोग की दृष्टि। अरे कब मना किया कि भोगना मत? अरे ब्रह्मचर्य का पालन करो युवाओं, समझो तो सही, तुम्हारा यौवन सड़ता चला जा रहा है। जब कभी तुम्हारी किसी लड़की के प्रति गलत दृष्टि होती है तो समझने तुम अपनी बहन का, अपनी माँ का अपमान किया है। जो लड़की अपने कौमार्य को क्षत विक्षत कर देती है, उसके स्तन के अंदर से जो दूध निकलता है वो प्रदूषित होता है, वो विष के समान होता है। वो अच्छी पत्नी नहीं बन सकती, अच्छी माँ नहीं बन सकती, वो युवा अच्छा पति नहीं बन सकता, अच्छा पिता नहीं बन सकता। आज हमारे यौवन को क्षत विक्षत किया जा रहा है, इसलिए इस बात को समझना, इस बात को। हिरण्याक्ष और हिरण्यकशिपु, ये हिरण्यकशिपु कौन है? कि ये प्रहलाद को मारना चाहता है और ये तो नारद की कृपा से हरि का भक्त बना हुआ है। मर नहीं रहा था तो उसको ले जा करके तृष्णा की गोद में बैठा दिया, तृष्णा जल गई, पर वो ऐसा विरह की अग्नि को लिए हुए, भक्ति की अग्नि को लिए हुए बैठा हुआ, उसको ये पार्थिव अग्नि क्या बिगाड़ सकती थी? ये दोनों राक्षस उपद्रव मचा रहे हैं, इन दोनों को ठीक से समझने के लिए नृसिंह को आना पड़ेगा, हमारे अंदर प्रहलाद को जन्म देना पड़ेगा। बंधो ये भागवत की कथाएँ इसलिए बनी हुई हैं, हर कथा की गहराई के अंदर जाना, अपने घर के अंदर प्रविष्ट होना, अपने घर के अंदर यज्ञ चक्र को पैदा करना। आप नगर पालिका के अंदर, आप विधानसभा में कितना परिवर्तन कर पाते हैं, ये तो नारायण जी पंचार्य जैसे लोग जाने, या आदर्श व्यक्ति जाने, जो लटलियाली का चामुंडा का आदर्श लेकर के माँ भारती की सेवा के अंदर कटिबद्ध हुए, चारों तरफ ऐसे कलुषित वातावरण के अंदर और हमारी संस्कृति को नष्ट करने के लिए किस गलत दर्शन को लेकर के ये चलते आ रहे हैं। इसलिए भागवत कथाकारों का ये है, वो दर्शन को ठीक करें। को इंद्रप हो हमें कहानी, ये मंथरा दर्शन है, इस गलत को इंद्रप हो हमें कहानी, ये मंथरा दर्शन है, इसको आने मत देना। इसलिए चाहे चार्वाक का दर्शन हो कि यावत जीवेत सुखम जीवेत ऋणम कृत्वा घृतम पिबेत और भस्मीभूतस्य देहस्य पुनरागमनम कुतः, आजकल तो उससे भी भयंकर दर्शन आ गया, उसको दर्शन कहना भी ठीक नहीं। यावत जीवेत सुखम जीवेत और ऋणम कृत्वा नहीं, घोटाला कृत्वा और घृतम पिबेत नहीं, सुराम पिबेत, जगह जगह पर सुरा की दुकानें लगी हुई हैं और हर बोतल के ऊपर गांधी का चित्र छाप देना चाहिए, महावीर का, बुद्ध का छिप नहाना चाहिए हर कत्ल खाने के अंदर। ये हो क्या हो रहा है? महाविनाश हो रहा है, उठो
वैदिक सनातन को धर्म को मानने वाले लोगों को उठना चाहिए। अरे किसी गीदड़ के ऊपर, कुत्ते के ऊपर, बकरी के ऊपर भगवती सवारी नहीं करती है। शेर बनो, शेर बनोगे तो वो भगवती आपके अंदर प्रकट होगी, आपकी सवारी बनेगी। इसलिए आपको मना वृषभ बनना पड़ेगा। ये बधिया होकर के आप बैल मत चले जाए, बन जाना। वृषभ बनेंगे तो आपके ऊपर शिव सवार होंगे, गरुड़ बनेंगे तो विष्णु आपके ऊपर सवार बनेंगे। ये केवल ऐसे नहीं है, इसको समझना। क्या मजाल थी कि हनुमान जी के सामने और सीता के ऊपर कोई राक्षसी आकर के हाथ लगा दे? अरे उससे तो अच्छा वो जटायु था जिसने देखा कि स्त्री को उठा करके एक राक्षस ले जा रहा है, और वृद्ध था पर मालूम था कि इसको सामने जाकर भिड़ूंगा तो मृत्यु निश्चित है, पर वो झपट पड़ा था। समाज के अंदर जटायु वृत्ति समाप्त हो जाती है, जब हनुमत वृत्ति समाप्त हो जाती है तब समाज धीरे धीरे नीचे गिरना प्रारंभ हो सकता है, हो जाता है। इसलिए बंधुओं, ये ऐसा अवसर है जब आपके सामने भागवत की कथा ये सप्ताह सुनाया जा रहा है, इसमें सूक्ष्मता से आपके मन को परोटते हुए, थोड़ा झांकियों को दिखाते हुए, थोड़ा बांसुरी बजाते हुए, संगीत का प्रदाते हुए, पर मुख्य तात्पर्य क्या है? येन केन प्रकारेण आपके अंदर ऋण बोध जागे। देव ऋण, ऋषि ऋण, पितृण, मनुष्य ऋण, भूत ऋण, और मनु महाराज कहते हैं ऋणानी त्रिणी अपाकृत्य मनो मोक्ष निवेश। जब तक हम ऋणों का विमोचन नहीं करेंगे हमारे अंदर पात्रता नहीं आएगी इसी जन्म में उस पूर्णता को प्राप्त करने की। उस पिपासा को जगाने के लिए हमारे शास्त्र, सारा कर्म कांड के मंत्र, उपासना कांड के मंत्र केवल इसलिए बने हुए हैं। सारी धरती, सारी सृष्टि केवल इसलिए बनाई गई है कि हमारे अंदर वह विविधिषा उत्पन्न हो जाए। तमेतम वेदान वचने न ब्रह्मणा विविधिशंति यज्ञ न दाने न तपसा अनाशके न। अरे यज्ञ दान और तप करो, अपने शास्त्र को लेकर के स्वार्थ और अहंकार को छोड़ करके करो। इसलिए आपके अंदर एक मीरा का जन्म होगा, आपके अंदर तीव्र इच्छा जागेगी मैं तत्व को जानूं। ये मनुष्य जीवन की धन्यता इसी में। तो मैं कह रहा था अपने घर के अंदर ठीक करो। वृद्ध कैसे जी रहा है? नाखून तो नहीं बढ़े हुए, उसके अंदर बाल सूखे हुए तो नहीं है, कपड़े कहीं से फटे हुए तो नहीं है। वृद्धों को आदर दो, आपके घर के अंदर आयु बढ़ेगी, विद्या बढ़ेगी, बल बढ़ेगा, यश बढ़ेगा आपका। नवजात शिशु को ठीक से समझो, आने वाली बहू को समझो, आदर दो। समाज के विकारों को ठीक नहीं कर रहे, इसलिए बहू आती है तो आपके घर की वंशवेल को बढ़ाने के लिए आती है। उसके हर कदम के अंदर, आपके घर के अंदर हर प्राणी के अंदर उसके महावार रच जाती है, इस घर की चेतना के मेहंदी रच जाती है। बुढ़ा जो पोपला मुंह माला वो भी प्रसन्न, बालक वो भी प्रसन्न, वो आती है और आपके इस 9 महीने जिसको पेट में रख करके आपने बड़ा किया, पढ़ाया लिखाया, युवक बना, योग्य बनाया, उसके हृदय की गहराइयों में एक ऐसा ताला लगा हुआ है जिसको न माँ खोल सकती, न बहन खोल सकती है, न मित्र खोल सकता है, और न गर्लफ्रेंड खोल सकती है, कदापि नहीं खोल सकती। गर्लफ्रेंड बढ़ती चली जा रही, वो भी नहीं, कोई नहीं खोल। केवल जो हमारी परंपरा से आती है, वो वधु आती है, वो पत्नी आती है, वो जाकर उस ताले को खोल सकती है। और हम कहते हैं कितना दहेज लेकर के आ रही है साथ के अंदर। दृष्टि को ठीक करना, आज से प्रण कर लो, हम अपने घर के अंदर अपने उस यज्ञ चक्र को प्रकट करेंगे। वो परमेश्वर इंतजार कर रहा है, प्रतीक्षा कर रहा है। बोध को ठीक करना, भाव को ठीक करना, क्रिया को ठीक करना, आपके घर के अंदर सुदर्शन चक्र प्रकट हो जाएगा। नारायण वहीं प्रकट हो जाएंगे, भागवत वहीं पर प्रकट हो जाएंगे, सारे ऋषि वहीं पर प्रकट हो जाएंगे। पहले अपने ही आंगन से आग उठाओ तो जानो। और चौराहों पर प्रश्न चिन्ह सी खड़ी भीड़ को अर्थ भरी आवाज लगाकर दिशा दिखाओ तो जानो। अपने से प्रारंभ करो, बोध को ठीक कर लेकर के। मुझे पूर्ण विश्वास है कि ये जो संवित भागवत कथा है, ये जो संवित कैलाश ज्योतिषी जी कर रहे हैं, ये वेद के नेत्र को लेकर बैठे हैं, ये गणपति के कृपा को लेकर के बैठे हुए, सारी कृपाओं को लेकर के, और ये आपको दृष्टि दे रहे हैं। अब हाँ, आप लोगों पर निर्भर ये करता है, हम किस प्रकार इस यज्ञानल के अंदर अपने जीवन की कर्म की संविधाएँ, बड़ी पवित्र संविधाएँ अर्पित करते हैं, भाव से भरी हुई, बोध से भरी हुई। तो आप देखेंगे प्रतिदिन आपके घर के अंदर एक आलोक, एक आनंद, एक गहरी शांति, एक ऐसी प्रखर ऊर्जा प्रकट होगी जिसके लिए भागवत का प्राकट्य हो, उसका अवतरण हुआ था, सुखदेव भी खींचे चले आए थे ऐसी भागवत की कथा, और उसको रसमय संगीतमय बनाने के लिए ये बांसुरी बजा रहे थे तो मैं अंदर ही अंदर रो रहा था। कैसी बांसुरी बजा रहे हैं, अद्भुत बांसुरी बजा रहे हैं, ऐसी बांसुरी के द्वारा, संगीत के द्वारा, ये ऐसी अमृतमयी कथा है, इसका वर्षन हो गया। इसलिए समझो, मैं आप सबके प्रति बहुत बहुत मंगल कामनाएं अर्पित करता हूँ। और देह दृष्टा तु दासो हम, जीव दृष्टा तदंश कर, आत्मदृष्टा तमेव अहम इति में निश्चिता मते। हनुमान जी से राम जी ने पूछा मेरे बारे में क्या सोचते हो, कि देह दृष्टा तु दासो हूँ,
देह की दृष्टि से आपका दास हूँ, हे पर्यावरण देह की दृष्टि से आपका दास हूँ, और जीव दृष्टिया तदंश का जीव की दृष्टि से मैं आपका प्रतिबिंब हूँ, और आत्म दृष्टा तमेव हूँ। आत्मा की दृष्टि से हे राम आप में और मुझ में कोई अंतर नहीं है, हम ऐसा ही भगवान कृष्ण से कहेंगे। भगवान कृष्ण हमसे यही अपेक्षा कर रहे हैं, ये पूरा भागवत महापुराण यही हमसे अपेक्षा कर रहे हैं। मैं बारम्बार उन ऋषियों के प्रति, उन सारे अवतारों के प्रति, सबके प्रति कोटि वंदन करता हूँ, और अपने अंदर से सारी परंपरा को, सारे ऋषियों को, वेद की ऋचाओं को, वेद के मंत्रों को, पूरी लोक संस्कृति को अपने अंदर से प्रकट कर देने के लिए जो सन्नद्ध है, कटिबद्ध है, उन कैलाश जी के प्रति बहुत बहुत मंगल कामना अर्पित करता हुआ भगवान के चरणों में कोटि वंदन। ओम तत्सत परब्रह्मणे नमः। संबित सोमगिरि जी महाराज के चरणों में नमन। आपने हमारे अंदर जो अग्नि थी उसको और प्रज्वलित किया। हम सभी यहाँ से संकल्प लेकर जाएं, पूज्य स्वामी जी ने भागवत के माध्यम से हमारी जो संस्कृति है और आज जो कुसंस्कृति हमारे अंदर फैल रही है उनको हम समझें, उनका अंतर समझें, और यही हमारी एक श्रद्धा होगी पूज्य स्वामी जी के प्रति कि हम उनके जो विचार उन्होंने प्रकट किए हैं उन विचारों को सुने, श्रवण करके मनन करें और उसको अमल में लाएं। मैं स्वामी जी के चरणों में पुनः निवेदन करता हूं, अनुरोध करता हूं कि आपने जो हमें दिशा निर्देश दिए हैं उन्हें हम सभी पूरा करने का संकल्प करेंगे। अब मैं निवेदन कर रहा हूं कैलाश जी जोशी से, आगे का क्रम पढ़ें। कैलाश जी जोशी। जहां जिस स्थान पर साक्षात परब्रह्म स्वरूप सद्गुरुदेव की वाणी की अमृत वर्षा हो रही हो, वहां पर कुछ भी बोलना शेष नहीं रहता। आज की कथा जब आरंभ की थी व्यासपीठ से, हमने योग माया का प्रसंग सुनाया, नंद उत्सव भी मनाया, पूतना आने ही वाली थी हमारी कथा में कि वो जूना खेड़ापति बालाजी हनुमान मंदिर के बाहर से ही लौट पड़ी। जानते हो क्यों? पूतना को शास्त्र में अविद्या कहा। पूतना कौन? पूतना में दो शब्द हैं, पूत ना। पूत माने पवित्र, जो पवित्र नहीं है वो पूतना, और पूत मारवाड़ी में बेटे को भी कहते हैं, संतान को भी कहते हैं, जिसके कोई संतान नहीं है वो भी पूतना। अलग अलग अर्थ अलग अलग महात्मा प्रकट करते हैं, लेकिन आज मैंने मेरे जीवन में यह अनुभूत किया कि जो ही मैंने पूतना का प्रसंग उठाया और दूर से ही मुझे मेरे गुरुदेव आते हुए दिखाई दिए। भला जहां गुरुदेव हो, जहां ब्रह्म विद्या के उपासक हो, वहां अविद्या कैसे ठहर सकती है, कैसे ठहर सकती है। और आज तो सदगुरुदेव की वाणी ने सारी कथाएं कह दी। प्रसंग बहुत सारे हैं भागवत में, और भागवत का जैसे मैंने निवेदन किया था कि भागवत यज्ञ नहीं है, भागवत एक सत्र है, और सत्र अनवरत चलता है, अनवरत। इसलिए भागवत कथा की कभी पूर्णा होती नहीं होती, भागवत कथा विराम लेती है। तो आज के जो प्रसंग थे, चाहे वो पूतना उद्धार का था, सकट भंजन का, तृणावृत का था, और चाहे कितने भी, भगवान ने बांसुरी कैसी बजाई वो तो आप सुन ही रहे हो। इनके भीतर भी तो मेरा वो कृष्ण ही फूंक मार रहा है। भगवान ने बांसुरी बजाई और धीरे 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 जब नंद बाबा ने ये देखा कि जब से कृष्ण
गोकुल में आए हैं तब से कोई ना कोई उपद्रव गोकुल में जरूर होते हैं, कोई ना कोई राक्षस आता है और कृष्ण को हानि पहुंचाने की चेष्टा करता है। मंत्रणा की गई, सभी बुजुर्ग गोकुलवासी इकट्ठे हुए और सबने सुझाव दिया कि हे नंद बाबा, यहां से थोड़ी ही दूर जहां चारों ओर वृंदा ही वृंदा फैली हुई है, उस वृंदावन में जाकर अब हमें निवास करना चाहिए, क्योंकि अब ये गोकुल की धरती हमारे लायक नहीं रही। नंद बाबा सभी गोकुलवासियों को लेकर वृंदावन आ गए और जौ ही वृंदावन पहुंचे भगवान कृष्ण को गिरिराज दिखाई दिए। गिरिराज को देखते ही भगवान कृष्ण का हृदय हर्षित हो गया, क्यों? बहुत रहस्यमयी कथा है, अभी उस कथा में नहीं जाऊंगा। ये कथा त्रेता युग से आरंभ होती है जब भगवान राम बनकर आए थे। ये गिरिराज उस समय से भगवान के दर्शनों की प्रतीक्षा कर रहे थे। आज भगवान का दर्शन पाकर गिरिराज अत्यंत हर्षित हो गए। भगवान ने निवेदन किया नंद बाबा से, सभी ग्वाल बालों से, कि हे बाबा, क्यों आप इंद्र की पूजा करते हो? पूजा तो हमें गिरिराज की करनी चाहिए, क्योंकि ये गिरिराज ही हमारे जीवन के परम आधार हैं। भगवान का आदेश मानकर सभी गोकुलवासियों ने जो जो 56 भोग इंद्र भगवान के लिए तैयार किए थे, उन सभी 56 भोगों को लेकर वे सभी गोकुलवासी गिरिराज जी की तलहटी में आ गए और वहां पर सभी गोकुलवासियों ने और सभी ग्वाल वालों ने वो जो गिरिराज जी की तलहटी में 56 भोग लाए थे लाकर और भगवान के साथ में गिरिराज जी के सामने अर्पित कर दिए। आज कितना सुखद संयोग है कि हम गुरुदेव को ही ब्रह्मा कहते हैं, गुरुदेव को ही विष्णु कहते हैं और गुरुदेव को ही महेश कहते हैं। आज हमारे इस कथा में ये 56 भोग की झांकी हमने उस जगतगुरु भगवान कृष्ण गिरिराज धरण के लिए सजाई थी, लेकिन आज तो मेरी इस कथा में मेरी समूची ब्रह्म विद्या की परंपरा अवतरित हो चुकी है। महाराज, परंपरा अवतरित हो चुकी है। आज का ये 56 भोग भगवान श्री कृष्ण के साथ मैं समूची मेरी गुरु परंपरा को समर्पित करता हूं। 56 भोग का भोग लगाया गया और सभी गोकुलवासी हर्षित हो गए। आइए आज की कथा को हम विराम दें। उससे पूर्व, हालांकि उन्होंने तो मुझे मना किया है, लेकिन मुरलीधर जी महाराज का ये नियम है कि वे अपनी कथा के अलावा कहीं और नहीं बोलते। मैं निवेदन करूंगा कि ये नियम कालांतर में बदले ताकि आपकी वाणी का लाभ सबको मिले। लेकिन इसी कड़ी में हमारे बीच मेरे ही जन्मभूति भूमि से, जैसा पूज्य श्री ने अपने प्रवचन में कहा कि भगवती लटियाली के तेज को हृदय में आत्मसात कर और राजनीति के क्षेत्र में अपना धर्म निभा रहे हैं श्री नारायण जी पंचार्य पधारे हैं, मैं चाहूंगा कि आप पधारे और दो शब्द भगवती लटियाली की धरती से ही इन भक्तों को संबोधित करते हुए कहें। आज बड़ा सुखद संयोग है, परमात्मा कब किसे किस धर्म के क्षेत्र में आगे बढ़ा दे इस रहस्य को कोई नहीं जान सकता। राजनीति भी एक धर्म है। हाँ, आज के परिवेश में राजनीति के अर्थ बदल गए, मायने बदल गए, लेकिन जहां जहां पर ये कोई प्रशंसा नहीं है, मुझे हृदय से क्षमा कर देना, क्योंकि हमारे गुरुजनों ने तो किसी की प्रशंसा करना सिखाया ही नहीं है। महाराज, प्रशंसा नहीं है, लेकिन हाँ एक अनुभूति है कि जहां जहां राजनीति के क्षेत्र में फलोदी की धरती से भगवती मां लटियाली के तेज को धारण कर अगर कोई व्यक्ति पहुंचता है तो निसंदेह राजनीति की दिशा और दशा बदल जाती है। मैं निवेदन करूंगा नारायण जी पंचार्य से कि वे दो शब्द कहें, उनके बाद हम आरती में प्रवेश करेंगे। सर्वप्रथम व्यासपीठ को नमन करते हुए
परम श्रद्धेय महंत सोमगिरी जी महाराज, जिनको देखकर ही, सुनने के बाद तो कुछ शेष बचता नहीं, लेकिन साक्षात दर्शन करने के पश्चात ही मन में इतनी प्रसन्नता, हर्ष और उत्साह स्वतः पैदा होता है। मैं वर्षों से संपर्क में हूँ, बड़ा सौभाग्य है कि व्यासपीठ पर विराजमान आदरणीय कैलाश जोशी जी मेरे गांव से है, और एक श्रेष्ठ संकल्प करके, मैं ये नहीं समझता कि मैंने बहुत कथावाचक सुने हैं, मैं गया हूँ बड़ी बड़ी कथाओं में गया हूँ, लेकिन ऐसे संत पति के श्री कैलाश जी, जिन्होंने अपने जीवन में संकल्प लिया और एक निश्चित संख्या तय की कि मैं इतनी तो कथा करूंगा ही। मैं यह मानता हूं कि माँ लटियाल भवानी की कृपा से इनके संकल्प को संबल मिल रहा है, ताकत मिल रही है, और लगातार मैं इसके पहले भी एक दो बार कथाओं में उपस्थित हुआ हूं कि इनकी वाणी में गुरु कृपा से वो ओज है, वो तेजस्व है, और इनके एक एक शब्द में बहुत सार गर्भित रहस्य छिपे हैं। तो मैं इनको एक बार पुनः नमन करूंगा, और मैं ये सोचता हूं कि वास्तव में इस भारत की धरा पर महंत श्रद्धेय सोमगिरी जी महाराज जैसे योगी तपस्वी व्यक्ति है, इसीलिए मां भारती को पुनः जगत गुरु के उच्च सिंहासन पर आरूढ़ करने का प्रयास हर क्षेत्रों से होना शुरू हो गया है, ये मुझे पूरा विश्वास है। मैं इस देश के सर्वोच्च सदन में बैठता हूं, मुझे पता है, मैं देखता हूं कि राजनीतिक क्षेत्र में भी एक नहीं बड़ी संख्या में ऐसे संत विचारों के राजनेता आज भारत की धरती पर है, वास्तव में है, उनके मन में तर्पण है, पूरी तर्पण है कि मां भारती, वो दिन कब आएगा कि जगत गुरु के उच्च सिंहासन पर ये मेरी मां विराजमान हो। स्वामी जी, मैं जब भी आपको सुनता हूं, एक स्वभाव सा हो गया, जब भी मैं पढ़ता भी हूं तो मुझे लगता है कि आपका जीवन प्रेरणादायी जीवन, जिन्होंने सर्वस्व त्याग दिया, न घर बार परिवार धन कुछ भी नहीं, कुछ भी नहीं, अपने इस जीवन को समाज के लिए, देश और राष्ट्र के लिए, स्वाहा राष्ट्र स्वाहा, सब कुछ है, मेरा देश है, मेरा समाज है, उसके लिए समर्पित करके, और जिस प्रकार से आप विचरण देश भर में कर रहे हैं, मैं सोचता हूं कि निश्चित जो सपना आपने देखा है, वो आने वाले समय में ये जनता जनार्दन, इस हिंदुस्तान के 125-30 करोड़ की जनता, उसको साकार करने में अपना आशीर्वाद रखेगी, और धर्म के प्रति आस्था रखने वाले व्यक्तियों को आगे बढ़ाएगी। देखो जी, एक व्यवस्था है, राजनीति अपना क्षेत्र है, अध्यात्म अपना क्षेत्र है, लेकिन राजनीति में भी मुझे स्वामी जी उस दिन बड़ी प्रसन्नता हुई। सर्वप्रथम जब मैंने टीवी पर देखा कि मेरे देश का मुखिया, मेरे देश का प्रधानमंत्री शपथ लेने के पहले ये कहता है कि नहीं, शपथ बाद में लूंगा, पहले मैं गंगा माई में जाऊंगा, मां के पास जाऊंगा, प्रणाम करूंगा, आदेश लूंगा मेरी मां से, गंगा माई को नमन करके, प्रणाम करके, और उसके बाद देश की सत्ता को संभाला, और देश के सर्वोच्च संस्था लोकसभा में प्रवेश करने के पहले साष्टांग प्रणाम करके, साष्टांग प्रणाम करने के पश्चात अपना पांव उसकी रोटी पर रखा। ऐसे श्रेष्ठ व्यक्तित्व आपके आशीर्वाद से ही निरंतर आगे बढ़ेंगे, तो मैं सोचता हूं कि वो दिन दूर नहीं जो हमारे संत महात्मा, हमारे श्रेष्ठ पुरुष जो चाहते हैं, उसके अनुरूप हमारे भारत की व्यवस्था होगी, इस देश को पुनः जगत गुरु के उच्च सिंहासन पर आरूढ़ करेंगे।